जय नमोस्तु। तन्मनन्दे आनन्दिमा चेन्नन्दिशा परमितति पदवेन्दिपा नमियो सिद्धिशोभा गुरुवे श्री गोपतिरुहि गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिन्वरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुना ममलिन्यान पर लो। देखो गुरु को धर्म को साक्षी को परमानुष्ठान। श्री रघुवंशीसार ग्रंथराज जी मंगलाचरण। नमस्कृतं महावीरं भवो देविनाशिनं त्रिभंगीदलं प्रोक्तं च आश्रव निरोधिकारिणं। पुरे श्री त्रिभंगीसार जी ग्रंथाधिराज की जय हो। जय। चलिए सभी एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। नमः वंशिद्ध नमो नमः जिनवाणी सद्गुरुवर श्रीमचिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्तार। यह श्री त्रिभंगीसार ग्रंथराज जी जहाँ श्रीमचिन तारण स्वामी हम सभी जीवों को सरलता से मोक्ष मार्ग का विधान बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग की विधि बता रहे हैं कि कैसे ये जीव इन विकारी परिणामों का परित्याग कर अशुद्ध परिणामों का अशुद्ध त्रिभंगी का परित्याग कर कैसे शुद्ध भाव त्रिभंग को आत्म अनुभव को कैसे पिटता है। क्योंकि अपने कल भी विषय दिया था भैया कि जब तक आत्मा में राग देश आदि कर्मों का प्रदूषण है, जब तक आत्मा में मिथ्यात भाव है, अर्थात जब तक ये आत्मा विभाव भाव का सहकार कर रहा भैया, राग का देश का कुमति भैया क्या कुमति मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या संयम आत्रो ध्यान माया आदि मद कुदेव कुगुरु इन विकार भाव का जब तक ये जीव सेवन कर रहा है, जब तक इसको विकार भाव का सेवन है तब तक ये आत्म अनुभव को पिकटा नहीं सकता है। बहुत मार्मिक बात है। और जीव को यदि पकड़ में आ जाए अंतर मन से, अंतर मन मतलब होता है भाव चेतना से, जब जीव को ये बात पकड़ में आ जाए, क्या बात पकड़ में आ जाए कि ये मन के द्वारा होने वाले परिणाम जो अनादि काल के संस्कारगत हो रहे हैं, ये मन के द्वारा चलने वाले सारे परिणाम ही इस जीव के लिए अनंत दुख का कारण है। जो मन में अनेक प्रकार के परिणाम चल रहे हैं ना, जो मन में नाना प्रकार से उथल पुथल चल रही है, जो मन में नाना प्रकार से भैया विकार परिणामों का तांता लगा हुआ है, ये सारे विकार परिणाम ही आत्मा के पतन का कारण है। यदि ये बात स्वीकार हो जाए कि इन परिणामों से ही मेरी आत्मा का पतन होगा तो जीव आत्मा संसार के भाव भ्रमण से छूटने का जीव मार्ग बना ले। जीव इस संसार के परिभ्रमण से छूटने का मार्ग बना ले। और यदि
जीव को अपने परिणाम को इसे सही करना आवाज करना बंद इसे तो बंद करो ये वाला बंद कर दो आवाज कर रहा है आवाज कर रहा चलिए हेलो अरे ये नहीं ये सही हेलो इसे बढ़ाओ हेलो ठीक यदि जीव को अपने परिणामों का बोध मतलब हेलो और मतलब कम आवाज हेलो ठीक यदि जीव को ये बोध हो जाए कि मेरे चलने वाले परिणाम ही मेरे लिए कम करो आवाज यार बहुत तेज हेलो हेलो ठीक यदि जीव को अपने अपराध का बोध हो जाए क्या बोध हो जाए भैया मेरे अंतर में चलने वाले परिणाम ही मेरे दुख का कारण है और इन परिणामों में जो अपनापन है ना इन परिणामों में जो कर्तृत्व की मानता है ना चलने वाले परिणाम में जो मेरापन भास रहा है ना भैया इससे संसारी जीवन दुखी है दुख 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 देखो भैया अपन एक निर्णय करते हैं पहले क्या अपन पॉल्यूशन पर मनाना चाहते हैं क्या अपन संसार के दुख से छूटना चाहते हैं क्या चार गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से मुक्त होने की भावना है अपनी यदि है तो फिर तारण स्वामी की बात समझ में आएगी तारण स्वामी की बात क्या भैया कि देखो तारण स्वामी गाथा नंबर 22 आचार्य तारण स्वामी की अंतर साधना से उन्होंने क्या कहा गाथा नंबर 22 कुल अकुल और कुसंग देखो तारण स्वामी कहते हैं कुल भावम सदा रुष्टम ये जीव क्या करता है भैया कि जो संसार में जैसे पिता का कुल है ना देखो अच्छे से देखो इस बात को समझते हैं कुल भाव सदा रुष्टम ये जीव क्या करता है ये जो पिता का कुल का अहंकार तो करता ही है लेकिन कुल के भाव में सदा मान ही बना रहता है कि मेरा कुल तो कितना ऊंचा है देखो ऐसे समझते हैं वास्तव में आत्मा कुल क्या है आत्मा तो सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के समान अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शक्ति का धारी है अपन मानते कि नहीं मानते कि आत्मा तो शुद्ध बुद्ध अनंत ज्ञान में चैतन्य शक्ति का धारी इस बात को मानते कि नहीं मानते आत्मा में कोई विकार नहीं है इस बात को अपन स्वीकार करते कि नहीं करते करते हैं ना कि आत्मा अनंत शक्ति का धारी है लेकिन इसके बाद भी ये बताओ क्या अपने अंदर अहंकार की कमी आती है काहे के अहंकार की भैया हमारे पिता तो ऐसे थे हमारा कुल तो हमारे दादा के दादा तो इस मंदिर के ट्रस्टी थे भैया हमारे पिताजी के पिताजी भी उनकी भी समाज में ऐसी वैल्यू थी अपने को अपना अभिमान नहीं है अपना अभिमान तो है ही लेकिन यदि अपने में कोई काबिलियत नहीं है तो हम अपने कुल का राग लेके बैठे हुए हैं और तारण स्वामी ने कहा ये जीव आत्मा इस बाहर के कुल जिसे आकुल कहते हैं इस कुल के राग में रत होके अज्ञान राग में लगा होके हमेशा अपने कुल की प्रशंसा करके क्या करता भाई रुष्टम अपने जिन कुल से रुष्ट रहता है अपने क्या बोलते हैं अपने आत्मनिर्भर को प्राप्त नहीं कर पाता काय का मान भरा हुआ ऐसे भैया अपने वर्तमान में जैसे कुल प्राप्त हुआ ना जैसे अपन क्या कहते हैं भैया हमने जैन कुल में जन्म लिया हम जैन कुल में जन्म लिए हैं तो अब जैन कुल में जन्म लेने का अपने को कितना अभिमान है कितना अभिमान है कि भैया अन्य जाति वालों से अपन नीची नज़रों से देखते हैं देखते कि नहीं देखते भैया मान लो कोई अन्य जाति जो निचले समुदाय कहे जाते हैं यदि ऐसे कोई जीव को अपन देख ले तो अपने जीव समानता की भावना कहाँ आती अपने को उनसे गिलाने का भाव आता कि नहीं आता तो इस ऊंच नीच की दृष्टि से अपन देखते हैं पर भाव को ऊंच नीच से देखते हैं तो इस ऊंच नीच की दृष्टि से देखने के कारण से हे भव्यात्मा अनादि काल से तू अपने
कुल से जो अपना कुल है, कौन सा कुल है भैया अपना? जिन कुल, कौन सा कुल है अपना? वीतराग कुल। भैया अनादि काल से इन बाहर के कुल के अभिमान में ये जीवात्मा अपने आप से रुष्ट रहा है, अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पाया, अपने वीतराग कुल को नहीं जान पाया, अपने अंतर आत्मा की अनुभूति प्राप्त नहीं कर पाया। तो नहीं कर पाया भैया कि मेरे दादा का कुल, मेरे पिता का कुल, मेरे दादा के दादा, परदादा, देखो बाहर पत्थर पे भी देखो, चैत्यालय के बाहर पत्थर के शिला पे मेरे दादा के दादा का नाम लिखा है, मेरे दादा के दादा ने बनवाया था ऐसे, या फिर मेरे पिताजी के पास इतनी संपदा है, इतनी दौलत है, तो भैया मैं ऊंची जाति में जन्म लिया हूँ, ऐसा अभिमान जीव के अंदर में इतना है कि जो सर्वज्ञ देव कह रहा है कि तू अनंत चतुष्टय में है, सिद्धों के समान वैभव वाला है, तेरे अंतर आत्मा में अनंतानंद 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 सुख है, सोचो तो झूठी प्रशंसा में, बाहर के भौतिक सुख में, अपनी यश कीर्ति नाम बढ़ाई के चक्कर में ये जीव काय से दृष्ट है भैया, अपने वीतराग कुल से, जिस कुल से मुक्ति की प्राप्ति होती है, अपने आप सिद्ध कुल का नहीं मानता, ये नहीं मानता कि मैंने भगवान महावीर की शाश्वत परंपरा में जन्म लिया है और मैं भगवान महावीर का लघुनंदन हो गई, त्याग वैराग सम्यक संयम ये मेरी परंपरा है, क्या मानता है? काम भोग विषय वासनाएं इनसे ही सुख मिलता है। तो क्या करता है भैया जी, निज कुल से, मुझे अपना कुल है सिद्धों वाला, उस कुल से रुष्ट रहता है, और जो भैया इंद्रिय विषय वासनाएं हैं, जो संसारिक भौतिक सुखों को प्राप्त कराने वाला, जिस पिता से जिस परिवार में जन्म लिया है, उस कुल का करता अभिमान नहीं, अपने को है कि नहीं, यहाँ चार समय जाति नहीं दिया, जाति कुल एक में डाल लो, यहाँ अपने को माता पिता के कुल का, नाना नानी के कुल का, इसका अभिमान है कि नहीं? पक्का करो भगवान जी अपन इस बात, जब तक अपने को इन झूठे कुल का अभिमान रहेगा, जब तक हम अपने आप को इन दादा परदादा के नाम से जानते रहेंगे और दादा परदादा के नाम की डोंडी पीट के हम अपने आप को प्रसन्न करते रहेंगे भैया कि हमारे दादा ऐसे थे, हमारे परदादा ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, इन इस कुल की जब तक हम महिमा गाते रहेंगे तब तक भीतराग कुल की महिमा कहाँ से आएगी तुम तक? तुम्हें ये महिमा कहाँ से आएगी कि मैं तो जिन जिन पर बन जाऊँगा, अरे जिनेंद्र समान मेरा पद है, मेरा आत्मा तो इस संसार के सारे चक्रव्यूह से मुक्त होने वाला है, तुम्हें अपने अंतर आत्मा बहुमान कहाँ से आएगा? पहले निश्चय अपने पक्का निर्णय करके बताओ, 100% निर्णय करके बताओ, जब तक हमें अपने पिता के कुल का अभिमान रहेगा तब तक अपने को ये कहाँ लगेगा कि हमारे परम पिता तो अरिहंत परमात्मा है, तीर्थंकर है भी, और हमें उनकी परंपरा का निर्वाह करना है, ये अनुभूति कहाँ से आएगी? देखो एक ही स्वाभिमान कर सकते हो ना, यदि पिता के कुल का अभिमान है तो फिर सर्वज्ञ परमात्मा अपने पिता नहीं दिखाई दे रहे, उनकी वाणी का बहुमान नहीं आ रहा, उन्हें जो मोक्ष मार्ग बताया है उस मोक्ष मार्ग में चलने की भावना नहीं हो रही, उन्होंने जो कल्याण का मार्ग दिया है उस कल्याण के मार्ग को स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे भैया? हम सर्वज्ञ के कुल, हम महावीर के वंश में जन्म लेने के बाद महावीर के द्वारा दिखाए मार्ग का आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? जब हमने महावीर कुल में जन्म लिया है तो हम महावीर के द्वारा दिखाए मार्ग पे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? तो विचार किया कर, क्योंकि हमें बाहर के कुल पे इतना अभिमान है कि हमें जिनेंद्र परमात्मा की याद ही नहीं आती, वो अपने पिता लगते ही नहीं है, उनके द्वारा दिखाया हुआ मार्ग सच्चा लगता ही नहीं है। कौन सा मार्ग सच्चा लगता है? वही हमारे पिताजी के पिताजी ऐसा करते थे, हमारे दादाजी के दादाजी ऐसा करते थे, और उनके दादाजी के दादाजी भी ऐसा करते थे, ये तो हमारी कुल की परंपरा है और इस कुल परंपरा को हम निभाएंगे, है कि नहीं? कुल का अभिमान, दादा के दादा भी ऐसा करते थे, हमारे दादा की एक आंख में पूरी समाज एक साइड बैठ जाती थी, है कि नहीं अभिमान? कि हमारे दादा ने तो इस भैया चैत्यालय की, इस धर्म यहाँ की पूरी स्थापना की, पूरी समाज को बांध के रखा, तो हम ये नहीं कह रहे,
हम ये कह रहे हैं अपना धन दौलत पुत्र परिवार अपनी संपदा अपने दादा परदादा के सारे कुल का अहम है अपने को, लेकिन इस बात का अहम है कि नहीं है क्या कि तू व्यायत तक भगवान आत्मा, इस बात का अहम है कि नहीं बहुमान होता है समय क्या कह रहा है। इन झूठे कुल के भाव में सदा रत रहता है। मान लो अभी अभी आपके पिताजी कोई कुछ कह दे तो आपकी भुएं तन जाएंगी कि नहीं तन जाएंगी। अभी आपके दादाजी आपके कुल के बारे में कोई कह दे यहाँ बड़े आए टीचर तो आपको क्या होगा, अपमान का भाव होगा कि नहीं। अब भी अली पूरे तन वतन में आग लग जाएगी नहीं लग जाएगी, क्रोध उबलेगा कि नहीं उबलेगा। हमारे कुल के बारे में ऐसा कहा, हमारे कुल के बारे में ऐसा कहा, हमारी प्रतिष्ठा के बारे में ऐसा कहा, हमारे स्वाभिमान के बारे में ऐसा कहा, अब भी अली आग लग जाएगी नहीं लग जाएगी, लग जाएगी ना। तो भैया देख तो लो तारण स्वामी क्या कह रहा है, गाथा नंबर 22, कुल भाव सदा, इस कुल के भाव में तो सदा लगा रहता है। बाहर का कुल है जो इस कुल की भावना से इसके अहम भाव में तो हमेशा लगा रहता है, लेकिन रुष्टम, लेकिन जो अपना भीतराग कुल है ना जिससे मोक्ष मिलता है, जो अपना जिन जिन पर पद है ना आत्मा जो अनंत सुख का धारी है, उस जो अपना अंतर कुल है ना ऐसे आत्मा को कभी स्वीकार करने का भाव भी इसे नहीं आता, बल्कि निज कुल से तो रुष्ट रहता रुष्ट। अच्छा बताओ तारण स्वामी कह रहे हैं जिनेन्द्र भगवान है तू स्वयं भगवान है, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं मेरे समान अनंत संपदा को तू प्रकट कर सकता है, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे भैया कि तेरे अंतर में मेरे समान अनंत अनंत गुण है। सुनाई दे रही कि नहीं दे रही है बात, भगवान जो कह रहे हैं कि तेरे अंतर में अनंत चतुष्टय है, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर सूक्ष्मत अगुरु लघु अव्यवादत आदि आदि अनंत अनंत गुण तेरे अंतर में है, ये बात सुनाई दे रही कि नहीं दे रही। कर रुष्टम, अरे ये बाहर के कुलों का इतना अभिमान है, इन बाहर के कुलों का इतना मद है कि ये अपने स्वयं के कुल से रुष्ट ही रहता है। भगवान की बात वाणी सुनने के बाद भी, सर्वज्ञ का ये उपदेश सुनने के बाद भी इसे अपने स्वकुल की स्मृति भी नहीं आती है, स्मृति भी नहीं आती, इतना अभिमान है अपने। अरे हम तो बिल्कुल अभिमान नहीं करते, अरे आपका अभिमान उस समय पता लगेगा जब कोई उस कुल के बारे में विपरीत कहे। अभिमान तो अपने को है, अपन अपने दादा परदादा की प्रशंसा करते कि नहीं करते, अपनी परंपराओं का जो निर्वाह कर रहा है दिन रात, जो अपन परंपराएं चली आ रही हैं अपने कुल में उनका निर्वाह करते कि नहीं करते। एक कुल का अपमान ही तो है कि अपने कुल परंपराओं का निर्वाह करा रहा है, एक कुल का मान ही तो है जो अपने दादा परदादा की प्रशंसा करवा रहा है। और ये भैया कोई आपके कुल को कुछ कह दे तो आपको जो गुस्सा आ रहा है जो क्रोध आ रहा है वो इसी कारण तो आ रहा है कि आपको उस कुल का अभिमान है। लेकिन भैया इस जाति कुल के चक्कर में फंस के क्या तुम्हें अपनी स्व जाति स्व कुल का बोध हो रहा है, सिद्ध समान आत्मा की अनुभूति हो रही, इस शरीर इस जड़ शरीर से भिन्न अपने निराकार अपने चेतन में जो अरूपी गायक भगवान आत्मा है इस गायक परमात्मा का अनुभव हो रहा है। देख लो भैया इस संसार में जन्म लेके इस जैन धर्म आदि जाति कुल को प्राप्त करके मैं बाहर के कुल में इतना बेसुध हो गया इतना पागल हो गया कि जिनेन परमात्मा की बात भी मुझे सुनाई नहीं दी कि तू सिद्धों के समान मेरे जैसा वीतराग स्वभाव वाला। अभी भी अपने वीतराग तत्व का स्वाभिमान लिया, अपने जिन कुल का स्वाभिमान लिया, खाए के कारण इस झूठे संसारिक कुल को अपना मानने के कारण से आज भी मैं अपने रुष्टम अपने आत्मा से रुष्ट हूँ, भगवान की वाणी से रुष्ट हूँ, अपने आनंद स्वभाव से रुष्ट हूँ, मैं आज भी इंद्रिय विषयों में आनंद होता हूँ। यदि कोई दादा परदादा की प्रशंसा कर दे तो छाती ऐसी हो जाती बिल्कुल, कोई अपनी परंपराओं की प्रशंसा कर दे तो छाती फूल के चार गुने चौड़ी हो जाती है, और यदि कोई दो शब्द बोल दे तो फिर देखो आप तो सोचो तो अपने अपने स्वाभिमान अपने जिनेन्द्र होने का स्वाभिमान नहीं है, जैन होने का अभिमान जरूर है। जाति कुल के भेद से एक दूसरे के जीव को ऊंचा नीचा देखने का भाव है,
भैया ये हीन है, ये नीची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये अलग करो, इसे अलग करो, इसे अलग करो। जाति कुल देख के जीवों भेद देखने की आदत है, लेकिन इन कुल और अकुल की भावना को, कुल मूल की भावना को भूल के सबको समान नजर से देख के अपने स्वभाव को सबको जीव देखने की आदत नहीं है। सब जीवात्मा एक समान है, ऐसी नजरें कहाँ हो रही है। नारायण स्वामी की जो बात है ना वो थोड़ी सी गहरी है, और जब अपन आत्मचिंतन करेंगे ना, अपने अंतर में अवलोकन करके देखेंगे ना कि हमारे अंतर में कुल का अभिमान है कि नहीं, तब अपने को पता लगेगा कि तारण स्वामी क्या कह रहे हैं। और जब तक अपन घटाएंगे नहीं ना अपने अंतर में जाके कि वास्तव में हमें अपने नाम के साथ कितना अभिमान जुड़ा हुआ है, अपने पूर्वजों के नाम के साथ हमारा कितना अभिमान जुड़ा हुआ है, जब तक अपन स्वयं अपने में घटाएंगे नहीं ना तब तक आपको पता ही लगेगा भैया कि हमें वर्तमान में अपने दादा परदादा, अपने कुल, अपने गोत्र, अपने नाम का कितना अभिमान है। यदि उस पर कोई कुछ कह दे तो हमें एक क्षण के लिए सहन नहीं होता, तासंग सदा हमेशा कुल के भाव में लगा रहता है। जरा सी अपने कुल की, अपन कहते हैं हमारे कुल की इज्जत धुलमिल मत कर देना, बच्चों से भी कहते हैं कि हमारे कुल की राय करना, हमारे कुल की इज्जत धुलमिल मत कर देना। तो बाहर के कुल की इज्जत रेपुटेशन ये बनाने का भाव तो आता है, लेकिन भगवान जी जिनेन्द्र कुल में जन्म लिया है, मिथ्यात से सरावोर हो, बताओ जिन कुल की इज्जत धुलमिल मत कर देना। कहीं नाम के आगे जैन लिख रहा है, नाम के आगे जैन लिख रहा हो तो जिनेन्द्र पद को प्रकट कर लेना, और ये तुमने जिनेन्द्र पद को प्रकट नहीं किया तो भगवान जी कुल की इज्जत धूल में मत मिला देना। नहीं है बात सही, बच्चों से क्या कहते हो, बड़ी मुश्किल से दादा परदादा के नाम से हमारी इज्जत चली आ रही है, धूल में मत मिला देना। तो ऐसा काम मत करना जिससे इज्जत धूल में मिल जाए, नाम प्रतिष्ठा बड़े ऐसा काम करना। आप खुद तो बताओ, अपनी तो देखो, क्या बच्चों से तो कह रहा हो कि ये अपने कुल की इज्जत को धूल में मिला देना। पहले ये तो बता भगवान आत्मा, ये सर्वज्ञ का कुल मिला है, ये सर्वज्ञ की वाणी मिली है, इसका स्वाभिमान, इसकी इज्जत तो धूल में नहीं मिला रहा है। अपने नाम के आगे जैन लिख रहा है, तरक्ष तो नहीं खा रहा है, अनिति तो नहीं कर रहा है, अन्याय तो नहीं कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भेद ज्ञान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तत्निर्णय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिनेन्द्र के कुल में पैदा हुए हो, कहीं इनकी इज्जत धूल में तो नहीं मिला रहे। मिला रहा है भैया, यदि ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा का शुद्ध कुल पाके, ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत वाणी पाके भी, साक्षात सर्वज्ञ का उपदेश पाके भी, यदि मेरे अंतर में अभी भी जाति संप्रदाय कुल का अभिमान है और यह स्वाभिमान नहीं जाग रहा, भैया सुनो तो, ये जाति कुल तो सब संसार के हैं, ये कुल कोड़ी में जल लेना तो सब संसार का काम है भैया, और अनंत काल से जी इन कुल कोड़ी में जन्म लेके क्या कर रहा है भैया, 84 लाख योनियों में भटक रहा है। अब क्या करना, क्या करना, हाँ नहीं करना, तो फिर इस झूठे कुल का इसका अभिमान तोड़ो भैया, पहले जो निरंतर बना हुआ है, जिस देखो जिस कुल में जाता है, जैसे मनुष्य भाव की कितनी कुल कोड़ी भैया, कितने प्रकार की मनुष्य भाव परंपराएं होती हैं, है मनुष्य मनुष्य कितने कुल कोड़ी भैया, कितने लाख है मनुष्य भाव, 14 लाख मनुष्य पर की कुल कोड़ी है ना, तो अब बताओ 14 लाख क्या वो 14 लाख नहीं, कुल कोड़ी तो ज़्यादा है, 14 लाख तो इसकी योनियां, तो जीव है कितने करोड़, हाँ 1,99,00,000 कुल कोड़ी, इन कुल कोड़ी में जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय को अपना मान के बैठ जाता है, जिस पर्याय में चला जाए। ये बाहर का जाति कुल तो छोड़ो, पिता का कुल तो छोड़ो, जिस पर्याय में चला जाए, जिस योनि में चला जाए, जिस गति में चला जाए, जो भाव प्राप्त कर ले उसमें ही जाके उसे ही अपना मान के बैठ जाता।
उसे, और रुष्टम जो उसका सिद्ध कुल है, जो उसको परम आनंद की प्राप्ति कराने वाला है, जो जिनेन्द्र जैसा पद प्रकट कराने वाला है, ऐसे निज कुल की सुरत भी नहीं आती। यह संसारी चीज है। बताना समय कह रहा है, कुल का भाव त्यागो, अकुल, अकुल का भाव त्यागो, कुसंग, कुसंग का भाव त्यागो। अकुल भैया मतलब कोई अकुलीन हो, मतलब कोई भैया मतलब नीच जाति का आ जाए, तो अपने को घृणा का भाव आएगा कि नहीं आएगा? तो इस कुल और अकुल के भाव में लगा रहता है। देखो, बाहर के कुल को अपना मानता है और अकुल के भाव में लगा रहता है। अकुलित हमेशा बना रहता, जीवों में ऊंच नीच का भाव रखता है। और भैया कुसंग और कायिक संगति का था भैया मतलब जो कुसंग मतलब व्यसनी जीव कह लो, पापी जीव कह लो, या फिर यहाँ कहो मिथ्याती जीवों का संग करता, आत्मनुभवी जीवों का संग नहीं करता, तत्व की रुचि वाले जीवों का संग नहीं करता, धर्मात्मा जीवों का संग नहीं करता। जो जिन जीवों की रुचि पाप में, विषय में, कसाय में, मिथ्यात के पोषण में, मिथ्या क्रियाओं में लगी हुई है, ऐसे जीवों की संगति करता है। अपन धर्मात्मा की संगति में रहना चाहते हैं क्या? तत्व चर्चा की संगति में रहना चाहते हैं? तत्व के स्वाध्याय में लगना चाहते हैं क्या, जहाँ अपने आत्मा परमात्मा की निज कल्याण की बात चल रही हो, वहां पर अपना समय शक्ति उपयोग लगाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगाते। कुसंग किनके संग लगना चाहते हैं भैया? जो संसार की चर्चाएं करते हैं, जो विकथाओं में रत रहते हैं, जिनसे विकथाओं का रस मिलता है, ऐसे जीवों की संगति करना चाहते हैं। लेकिन जो जो थोड़ी बहुत धर्म की चर्चा करता हो तो उसको तो देख के साइड से रास्ता काट लेते हैं। क्यों? अभी चार प्रवचन सुनाए, अब भी अली सामने दिख जाएंगे। आए, आए, ये आए, कोई कुछ कह रहा है? यदि अब भी सामने दिख जाएंगे तब मेरे चार बात सुना देगा। सही बताओ भगवान, आपको क्या है अपना जीवन? पाप, विषय, कसा है, बस। कुसंग किनका साथ अच्छा लगता है? तुम अपनी अंदर आत्मा से पूछ के बताओ, तुम्हें व्यसनी जीवों का साथ, पापी जीवों का साथ, कामी जीवों का साथ, भोगी जीवों का साथ, जो संसार के ही विषय आसक्ति में डूबे हुए हैं, मिथ्यात के पोषण में डूबे हुए हैं, जिनके पास संसार के अलावा कोई दूसरी चर्चा ही नहीं है, ऐसे जीवों के साथ गुट बना के बैठने में तो आनंद आता है। लेकिन भैया जहाँ धर्म की चर्चा हो, जहाँ मुक्ति का मार्ग हो, जहाँ जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी झर रही हो, तो जहाँ तुम्हें आत्मा से परमात्मा बन के भाव भाव के भ्रमण के नाश करने की देशना कही जा रही है, इस सत्संग इसका लाभ उठाने का भाव आता है। कुसंग में रत होने के लिए तो तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने आत्मा के संग से अच्छा सत्संग और कहीं नहीं। बाहर में चार लोग बैठ के गोष्ठी कर रहे हो, तत्व चर्चा कर रहे हो, या निज में मेरा आत्मा मेरे पास सदैव, मैं इन पर भावों से भिन्न हूं, अपने आत्मा का संग करने में कितनी देर लगती है? अच्छा बताओ, सुबह से लेकर शाम तक पुद्गल का संग करते कि नहीं करते? राग से शरीर का पोषण कर रहे हैं, द्वेष से भैया किसी से शत्रुता कर रहा है, राग से किसी पदार्थ को चाह रहा है, या इष्ट वियोग अनिष्ट वियोग का जो भी अपन चिंतन कर रहे हैं, तो अपन पर का संग करने में दिन भर तत्पर है। शरीर का, मन का, वचन का, काय का, पुत्र का, परिवार का, धन का, दौलत का, इनकी संगति करने के लिए हमेशा तैयार है कि नहीं? और जबकि ये सारी वस्तुएं पर है, मन पर है, वचन पर है, काय पर है, ये शरीर पर है, भैया इसके साथ तो हम रह रहे हैं, अरे माता तो बहुत दूर है ना, माता पर है, पिता पर है, परिवार पर है, धन दौलत पर है, ये तो तुम्हारे शरीर से बहुत दूर है ना, इन सब की संगति कितनी जल्दी हो जाती? समाज की, मित्र की, भाई की, बंधु की, इन सब की संगति कितनी जल्दी हो जाती? अच्छा बता, और आत्मा कहाँ है? कहाँ आत्मा? आत्मा कहाँ है? अच्छा मेरे अंदर है, मैं कौन हूँ? अच्छा आत्मा मेरे अंदर और मैं आत्मा ही हूँ। भगवान जी, अरे जब मैं ही आत्मा हूँ, मेरे अंदर नहीं है, आत्मा ही मैं हूँ, जब वो क्योंकि अपने आप को शरीर मानोगे तो मेरे अंदर कहोगे, अरे मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर बाहर की कोई बात ही नहीं, मैं आत्मा ही हूँ, अंदर बाहर की कोई बात ही नहीं है। अब कहने में आता है शरीर से अपनापन होने की, शरीर के अंदर आत्मा,
लेकिन वास्तव में आत्मा ही मैं हूं, ऐसी सत्संगति क्यों नहीं कर पा रहे? बाहर के कुल का अभिमान है, अकुल, भैया ऊंच नीच की भावना में जुड़े हुए, अकुल की भावना में, जो अपना कुल नहीं है उस अकुल की भावना में जुड़े हुए हैं। और कुसंग संगति में किसकी भैया? मिथ्या दृष्टि जीवों की, व्यसनियों की, वो पापों में उलझे जीवों की, पाप और विषय कषाय में लगे जीवों की संगति भैया। तो अब जब संगति ही विपरीत है, बाहर में पदगल की, मतलब बाहर में व्यसनी पापी मिथ्या दृष्टि जीवों की, और अंदर भैया विकारी परिणाम होने से शरीर और संयोग की, जब अपनी संगति बुरी है भैया, तो बताओ बीतरा कुल का बोध कैसे हो? तो संयम करने में आनंद कैसे आएगा? तो मैं भैया तपस्या करने में आनंद कैसे आएगा? तो मैं साधना करने में आनंद कैसे आएगा? तो मैं मोक्ष पद को प्रगटाने में आनंद कैसे आएगा? तो मैं मिथ्यात्व का त्याग करने में आनंद कैसे आएगा? क्योंकि तुम्हारी संगति ही बुरी है। अरे देखो, अब बुरी संगति की बात आई ना, तो अपने को ये बात सुनाई देना ही बंद हो गई होगी। अपने मन के विचार अपने को पकड़ लेते हैं। आप तत्व चर्चा में एक बार नोट करो कि आप तत्व चर्चा बहुत कम सुनते हो, और तत्व चर्चा के साथ अपने जो संस्कार हैं, अपने मन के जो विचार हैं, उन विचारों को ज्यादा देखते हैं। सुनो अच्छे से क्या कह रहा है कि तत्व चर्चा, यहाँ तत्व की चर्चा हो रही है, यहाँ कानों तक जा रही है, लेकिन आप अपने मन पे फोकस करो। मन अपनी गलतियों को देख रहा है, या मन देख रहा है अब हम ऐसा नहीं करेंगे, मन कह रहा है हम ऐसा नहीं करेंगे, मन आपकी आगामी योजना बनाने में व्यस्त है, वो अभी तत्व चर्चा सुनने के लिए बैठा नहीं। क्यों 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 बताओ बताओ जल्दी, वो अपनी योजनाओं में क्यों व्यस्त है? वो अपनी क्रियाओं में क्यों व्यस्त है? वो अपनी मान्यताओं में क्यों व्यस्त है? मन ही मोहिनी कर्म की पर्याय है, और जीव ने मन के अलावा किसी का सहकार ही नहीं किया। इस मन ने जो कह दिया वो मान लिया। अरे भगवान आत्मा, इस मन की मानने कारण और इस मन में, इस मन के मोह में रहने कारण तो आज जीव तेरी दुर्गति है। अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए, इतने उम्र निकलने के बाद भी अभी भी तुझे भेद ज्ञान नहीं हुआ, तत्व निर्णय नहीं हुआ। इसका कारण तेरे मन के विचार हैं, जिन विचारों में तू अनाधुन प्रवृत्ति कर रहा है, और इन विचारों के कारण तुझे भगवान की वाणी का बोध भी नहीं आ रहा, ये वाणी भी नहीं सुन पा रहा। भगवान की वाणी भी तू जब सुन पाएगा, जब तेरा मन स्थिर चित होके जो कहा जा रहा उसका चिंतन करेगा, लेकिन अभी जो कहा जा रहा है उसका चिंतन नहीं है। जो अपन ने पूर्व में भोग भोगे हैं, या जो पूर्व में अपने साथ घटनाएं घटी हैं, उनकी योजनाएं हैं, या फिर हम कल ऐसा नहीं करेंगे, कल से ऐसा नहीं खाएंगे, कल से ऐसा नहीं बनाएंगे, कल से ऐसा नहीं करेंगे, वर्तमान की अभिलाषाएं हैं, वर्तमान की योजनाएं हैं, वो भविष्य की योजनाएं हैं। वर्तमान में आज भी गायक परमात्मा स्वीकार नहीं हो रहा, अभी भी सुन लो, अभी भी वर्तमान में मैं इन सब विकारी भाव से, इन प्रपंचों से रहित आत्मा हूं, अभी भी वो शुद्ध तत्व स्वीकार नहीं हो रहा, अपने जिन को स्वीकार नहीं हो रहा। अभी भी क्या हो रहा है? मन या बेग में लेके जा रहा है आपको, या आगामी कल्पनाओं में लेके जा रहा है। अभी भी आप ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि इन सब अवस्थाओं से भिन्न मैं मात्र गायक तत्व परमात्मा। और ये क्यों हो रहा है? अनादि काल के संस्कार आपको पेर रहे हैं, और अपने पास ज्ञान का बल नहीं है, तत्व का बल नहीं है, अपने पास आत्मचिंतन की धारा नहीं है कि अपने उस मन के विचारों को फाड़ कर फेंक दे, और इस समय तो भगवान की वाणी को पी जाए। अभी इस समय तो घटक लाए, इस समय तो अपने मन के सारे प्रपंच को नाश करके इस समय तो इस अमृत का रसपान कर ले, इतनी रुचि भी अपने पास नहीं है। इसलिए बेटे तो यहां है, लेकिन मन और कहीं है भाई। ध्यान रखना भगवान जी, जब तक सत्संग नहीं करोगे, आत्मा का संग नहीं करोगे, परमात्मा के वचनों को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आनंद स्वरूप की प्राप्ति अर्थात अपने जिन कुल की जागृति नहीं होगी। बहुत लंबी चीज है ये गाथा, अगली गाथा में चलना अपने, इसलिए छोड़ रहा है, ऐसे अपन आगे चलते हैं। तारण स्वामी कह रहे हैं मिलाइए अच्छे से, जीवात्मा अपना कल्याण करना है, यदि मुक्ति के मार्ग को प्रकट करना है, तो भैया क्या करना पड़ेगा?
एक झूठे कुल का, झूठे अकुल का और कुसंगति का इसका अहंकार छोड़ना पड़ेगा भैया। चलिए गाते समझाते हैं। कुल भाव सदा, देखो भैया झूठे कुल के भाव में सदा रत होके रुष्टम, अपने जिन कुल से रुष्ट रहता है, मोक्ष मार्ग से रुष्ट रहता है। अकुलम, अकुल को अपना कुल मानता है, ऊंचा नीचा देखता है भैया। कुसंग, कुसंगति में संगते, कुसंगति करता है, अकुल की संगति करता है ना। अभावम तत्र अन्यानि, वो कौन है भैया? मिला ना भैया, अभावम तत्र अन्यानि, उसे काय का अभाव है और कौन है? हाँ, तो उसे काय का अभाव है? काय का अभाव है उसे? देख लो भगवान जी, अपने स्वभाव के अभाव में जी रहा, उसे अभाव है सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चरित्र का, उसे अभाव भेद ज्ञान की कला का, उसे आत्म ज्ञान का अभाव है भैया। आत्म ज्ञान के अभाव में तत्र अन्यानी, अभाव भाव में जीता है। हे तीन लोक का नाथ, हे जिनेन्द्र सम शक्ति वाला, हे तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला, लेकिन भैया वह अज्ञानी जीव अभाव भाव में जीता है। त्रिभंगी दल संयुक्तम, और काय में संयुक्त रहता है भैया? कुल अकुल और कुसंग की भावना से इस अशुद्ध त्रिभंग में संयुक्त रहता है और शुद्ध आत्मा के रहस्य को नहीं जानता। भगवान जी गाथा काय के लिए, गाथा काय के लिए, काय के लिए? इन भाव का निरोध करने के लिए है, इनमें लगे रहने के लिए नहीं। जो आज कुल का अहंकार अपने पास है, आज जो अकुल की भावना से अपन रथों के कुसंग, कुदगल की संगति, क्या बाहर में मिथ्या दृष्टि जीवों की संगति कर रहे हैं भैया, इनके कारण से अभाव में जी रहे हैं अपन। काय के अभाव में? तीन लोग के नाथ होने के कारण, होने के बाद भी भीख मांग मांग के जी रहे हैं, ना अपने आत्मा का विभव प्रकट नहीं हो रहा, अभाव में जी रहा है, आत्मसत्ता के अभाव में जी रहा है, जिन पद के अभाव में जी रहा है, अरे परम सुख के अभाव में जी रहा है। तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान केवल दर्शन इस समय मेरे अंतर में, इस समय मेरी चेतना विद्यमान है, लेकिन आज उस केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्रकट नहीं कर पा, आज उस संयम को, आज उस आनंद को प्रकट नहीं कर पा रहा है। हे सर्वज्ञ के कुल वाले, जिनकी वंदना तीनों लोग करते हैं, लेकिन भैया आज हम दर दर भीख मांगते हुए फिर रहे। सुख की भीख, काम की विषय भोग, काम विषय भोग भाव वासनाओं ने, इस इच्छाओं ने जीव को भिखारी बना दिया। अच्छा बता, इच्छाओं से हम भिखारी बने कि नहीं बने? परम सुख का स्वामी हूं कि नहीं? और सुख के लिए पर वस्तु की चाह करना और सुख के लिए पर वस्तु को प्राप्त करने के लिए पागल हुए हो जाना, अपने को भिखारी बनाया कि नहीं बनाया इसने? इन इच्छाओं ने, इन व्यसनों ने, इन वासनाओं ने हमें भिखारी बनाया कि नहीं बनाया? तीन लोक में चरम सुख का, परम सुख का धारी, परमानंद स्वभावी ये जीव शरीर संयोग साथ होके मन और इंद्रियों में लग के दर 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 में क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। एक ही नहीं अपन भिखारी है, भिखारी। और क्यों है, क्यों है भिखारी? कुसंग, बस जब तक पर का, मिथ्यात का, अज्ञानी जीवों का संग रहेगा, अभावम तत् अन्यानी, तब तक अज्ञानता रहेगी, और जब तक अज्ञानता रहेगी तब तक अभाव रहेगा, अभाव में जिएगा, और इस त्रिभंगी दल में लग के ये जीव दुर्गति का ही बात माने। करना है कि नहीं करना अपना कल्याण? अगली गाथा, एक गाथा ले रहा है, अनित्य अचेत परिणाम। देखो भैया तारण स्वामी की बात मिलाइए, अनित्य अचेत दृष्टांत क्या देखते हैं अपन? बार बार ये बात आती है, क्या देखते हैं अपन? अनित्य अर्थात जो क्षणभंगुर,
चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, और इस संसार में कोई भी पर्याय, कोई भी वस्तु नित्य नहीं। सारा संसार क्षणभंगुर है। तो क्या कह रहे हैं, क्षणभंगुर अचेत और जड़ है। चाहे सोना चांदी हो, चाहे हीरे मोती हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे स्वयं का शरीर हो, ये सब क्या है, क्षणभंगुर भी है और अचेतन है। क्षणभंगुर नाशवान और अचेतन जड़ है। अपनी दृष्टि कहाँ है, धन दौलत पुत्र परिवार मकान दुकान लाड़ी गाड़ी जितने भी पदार्थ हैं, ये नियम से क्षणभंगुर है, नाशवान है मतलब, और नियम से अचेतन है, इनमें चेतन्यता पाई जाती ही। अपन किसे देख रहे हैं, सीधी बात से तो जाती है कि चेतना लक्षणों हम आत्मा ही चेतन लक्षण में है, और चेतनता को देखने का नाम धर्म। चेतन शाश्वत है, चेतन नित्य है, और चेतन को देखने से धर्म होता है। चेतन आत्मा के सुरत आने से धर्म की प्राप्ति होती है, और जब चेतन आता है, सुरत आती है, तब जीव धर्मात्मा कहलाता है और मुक्ति के पंथ को प्राप्त करता है। और एक बात बता भैया, यदि अपने को अपने चेतन आत्म स्वभाव की सुरत नहीं आ रही, अनित अचेत दृष्टि से, और अपन बाहर की नाशवान क्षणभंगुर वस्तुओं को और अचेतन पदार्थ को मेरा माता मेरा पिता मान के, या फिर मेरा घर मेरा दुकान मान के, जो अपन अचेतन और क्षणभंगुर पदार्थों को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, दृष्टि से निरंतर, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, चार दिन नहीं, अच्छा बताओ घर में कितने साल से रह रहा है, घर में कितने साल से रह रहा है, बोलो तो जोर से, कितने साल से, 14, 24, 40, कितने, माँ बाप के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ कितने कितने साल से रह रहा हो, धन के साथ, दौलत के साथ, पैसे के साथ, इन सब के साथ कितने कितने काल से रह रहा हो, अनादि काल से तो रह ही रहा है, अभी भी जब से जन्म लिया भैया, तब से इन संयोगों के साथ, इन क्षणभंगुर पदार्थों के साथ और इन अचेतन पदार्थों के साथ, इनमें चेतन पने की मानता करके रह रहा है। अपने को एक समय के लिए बोध नहीं है कि जिस मकान में अपन अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं, उसका भी जीर्ण शीर्ण होना निश्चित, जिन माता पिता को अपना मान रहे हैं, इनका वियोग भी निश्चित है, जिस धन दौलत को अपना मान रहे हैं, ये पाप होने से इसका विनाश भी निश्चित है। जितने भी सुख, जितने भी संयोग के साथ हम रह रहे हैं, ये सब अचेतन है और नियम से क्षणभंगुर है, नियम से क्षणभंगुर है। लेकिन भैया इन अचेतन और क्षणभंगुर पदार्थ में ऐसा मन उलझा हुआ है, देखो अच्छा एक बार बताओ, तुम इस घर में 25 साल से रह रहा हो, 10 साल से रह रहा हो, 15 साल से, अब 15 साल से तुम इसे भोग रहे हो, घर में सुख भोग रहे कि नहीं भोग रहे, अपना मान के, अब 15 साल में तो बोर हो जाओ कम से कम, या कब तक अपना मान है भैया, तिजोरी में रोज अगरबत्ती लगा कर रोज आरती उतार रहा हूँ कि ये सोना चांदी हमारा, ये हीरे मोती हमारे, ये धन दौलत हमारे, कितने साल हो गए, 30-40 साल से उतार रहा है भैया, अब तो कह दो कि भगवान जी हमारी है ही नहीं, बच्चे लात मार के भगाए और खुद कब्जा कर लें, इसके पहले कह तो दो हृदय ही हमारी है ही नहीं, जिस पत्नी को, जिस पति को, जिन बच्चों को 30-30, 40-40, 15-15, 20-20 साल से अपना मान रहे हो, जिनके कर्तव्य का वजन लेकर रोज घूम रहे हो, अब तो बहुत रस हो गया ना, नहीं हो गया, 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, 30 साल हो गए, अब तो खूब हो गया कि रस हो गया, नहीं हुआ, अब खूब जी भर के अपना मान लिया कि नहीं मान लिया, जी भर के मान लिया कि नहीं मान लिया, जी भर के इनकी नौकरी कर ली कि नहीं कर ली, करी कि नहीं कर ली, अब तो भगवान आत्मा, अब तो बोर हो जाओ इन सबसे, नहीं हो रहा है अभी भी, अभी वही चौका अपने लगता है, वही बर्तन अपने लगते हैं, वही पिता पुत्र परिवार, वही धन दौलत, वो घर पुत्र परिवार,
अभी वही अपना लग रहा है। भगवान जी सुन लो, यदि ऐसे अनित अचेतन की ही देखते रहे और परिणाम जत तिष्ठन्ते और इन्हीं की भावना में तिष्ठे रहे, भैया इनसे राग, इनसे देश, इनसे अपनत, इनसे ममना ममत, इनका कर्ता तो परिवार का काम करना है, समाज का काम करना है, घर का काम करना है, यदि इन्हीं को देखते रहे और इन्हीं के परिणाम में तिष्ठे रहे तो अन्यानी मूल दृष्टि चा अपन कौन चलाएंगे। जैसे अनंत संसारी जीव अज्ञानता और मूर्ता कारण इस संसार में जन्म लेते हैं, घर पर परिवार का ही पालन करते हैं, घर पर परिवार की क्रिया में रख लेते हैं और संसार में ही मर जाते हैं और दुर्गति की यात्रा करते हैं। और यदि आज अपन भी यदि इन माता पिता पद परिवार अचेतन वस्तुओं के परिणाम में लगे रहे, इन राग देश आदि परिणाम में हमारा जीवन निकल गया तो अन्यानी मूल दृष्टि चा कौन कहलाएंगे अपन। जैसे अनंत संसार में जीव अज्ञानी है, मूल है, अपने अपने हाथ से ही अपनी आत्मा को पतन में ले जाएंगे, दुर्गति की यात्रा भोगेंगे, अपन कौन कहलाएंगे, बता तो दो क्या कह रहा था स्वामी। अज्ञानी मूल दृष्टि चा कौन कहलाएंगे अपन, अज्ञानी मूल दृष्टि। देख लो भैया, मुक्ति मुक्ति तो चिंत वही मूढ़ा मुक्ति, अपन कौन है भैया। अरे आज भी वही माता वही पिता वही घर वही पुत्र वही परिवार वही धन और वही दौलत आज भी यदि शाश्वत लग रहा है, नित्य लग रहा है और आज भी इन्हीं का भोग करने की इच्छा मन में बनी हुई है, आज भी ये वासना खत्म नहीं हो रही, ये पदार्थ मेरे हैं, आज भी अंतर से वासना कम नहीं हो रही और भैया भेद ज्ञान की दृष्टि उत्पन्न नहीं हो रही, भैया जी ये स्थायी सुख नहीं है, अरे स्थायी तो छोड़ो ये सुख भी नहीं है, ये तो दुख रूप कल्पना है। कोई कहा था ना, सातवें नारकी को पांचवें नरक में लाकर रख दो तो सुख की प्रतीति होती, भैया ऐसा ये झूठा सुख आवास है। यदि परिणामं जत्र तिष्ठन्ते, यदि आज ही मैं इस परिणाम में तिष्ठा रहा, अचेतन और क्षणभंगुर पदार्थों को नित्य मान के जीता रहा तो आचार्य परमात्मा क्या कह रहा है, अन्यानी मूल दृष्टि चा तो कौन चलाएंगे अपन, कौन कहलाएंगे, विचार कर लो। आज भी अपन अज्ञानी और मूल दृष्टि यही अज्ञानता के साथ जीवन जिएंगे, मिथ्या त्रिभंगी दलम और इस मिथ्यात रूप त्रिभंग दल में लगे रहेंगे भैया, नियम से निगो जाएगा इसे नियम से। हे भगवान जी अब तो चैतन्यमय अपने परमात्मा की अनुभूति पहचान लो, अब तो ज्ञायक मैं भगवान आत्मा का स्वाभिमान जगा लो, अब तो जिनवर परमात्मा अपने आत्म तत्व को स्वानुभव में देख लो भगवान आत्मा, अब तो अनुभव कर लो कि नहीं नहीं। हाँ देखो भैया, हम तो आपसे इतना कह रहे हैं कि 10-10, 20-20, 25-25, 50-50, 60-60 साल हो गए जिन वस्तुओं को भोग रहे हो, अब तो छोड़ दो भगवान जी, क्या इन्हें अपना मानना, अब तो विरक्ति का परिणाम जगा के अब तो स्वाध्याय चिंतन में और जितना जीवन बचा है सत्संग में अपनी अंतर आत्मा का संग करने में निकाल लो भगवान जी, नहीं तो जिन गतियों में जाओगे वहां पानी भी नहीं मिलेगा, नर्क में गति जन्म हो गया तो समुद्रों के समुद्र तीन लोग का पानी पीने की इच्छा होगी, एक बूंद जिभ्या पे आने वाली नहीं, कम से कम इस दुखों का तो विचार करो कम से कम। यदि हम इस विषय आसक्ति में डूब के इस जीवन को नाश कर दिया हमने तो तीनों लोगों का पानी पीने की प्यास होगी लेकिन एक बूंद जल की प्राप्त होने वाली नहीं। सुनो तो नर्क छोड़ के भग भी नहीं सकते, कोई व्यवस्था नहीं, मां से भगने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं भगवान जी, 1% व्यवस्था नहीं, क्या करना है। हाँ देखो भैया, समय तो हो रहा है, दो गाथाओं का वांछन हम कर चुके हैं, अनित अच्छे दृष्टिते, चलो ऊपर वाली गाथा से दोनों का रिविजन कर देते हैं। कुल भाव सदा, जो जीव बाहर के कुल, बाहर का कुल मतलब समझ गए, पिता का कुल मान लो
बाहर के कुल में उसके अहंकार में लगा रहता है कि मैं उच्च कुलीन, हमेशा उसको रुष्टम, वो अपने निच कुल को कभी याद नहीं कर पाता, और आकुल जाति पाति के भेद विकल्प में उलझ के अपने आत्मा को भूल के कुसंग मिथ्यात की संगति कर, कुसंग संगते कुसंगति में ही शरीर आदि संयोग संगति में ही डूबा रहता है। अभावम तत् अज्ञानी, वो अज्ञानी है और हमेशा चेतन में तीन लोक का नाथ होते हुए भी भीख मांगते हुए जीवन अभाव में जीता, कभी उसे शाश्वत सुख का बोध आता ही नहीं। ऐसा जीव त्रिभंगी दल संयुक्तम अशुद्ध भाव त्रिभंगी से संयुक्त होकर दुर्गति का पार। अगली गाथ, अनित्य अचेत दृष्टिते, क्या देखता है? जो क्षणभंगुर पदार्थ है उन क्षणभंगुर पदार्थों को नित्य देखता है। देख लो, ध्यान रखो, ये कुल, ये परिवार, ये धन, ये दौलत, ये माता, ये पिता, ये जितने वाली सारी चीजें हैं, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, ये क्षणभंगुर है और अचेत अचेत है। ता ध्यान रखो भगवान जी, ये क्षणभंगुर पदार्थ है, अचेत है, अनित्य अचेत दृष्टिते। जैसे 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 कुत्ते को अरे हड्डी पटक दो तो कुत्ते को हड्डी में स्वाद आता, रस आता है, काय का? कुत्ते को यदि हड्डी डालो तो कुत्ते को हड्डी में रस आता है, काय का आता है? हड्डी में क्या है? हड्डी तो खोखला है, हड्डी में कहाँ रस? हड्डी में कुत्ते को जब हड्डी कुत्ता मुंह में चबाता है तो कुत्ते को हड्डी में रस आता है, काय का आता? स्वयं के जबड़े से निकले खून का रस आता है कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? और वो क्या मानता है कि इस हड्डी में रस है। ऐसे ही भगवान आत्मा ये अज्ञानी मूल दृष्टि को पांच इंद्रिय विषय भोगों में अपने ही आत्मा के विकार परिणामों का, अपने ही आत्मा से विकार उत्पन्न होने वाली परिणतियों का कषाय भाव से, चार कषाय भाव से, जो चार कषाय का जो दुख उत्पन्न होता है, चार कषाय विषय आसक्ति से जो आकुलता उत्पन्न होती है, जो तलब उत्पन्न होती है, उस तलब में भी पुण्य का उदय हो तो उस तलब में भी सुख मानता है, उस तलब को भी पैदा करता है। भूख नहीं लग रही हो तो भूख बढ़ाने की गोली खाता है, उस तलब को भी प्रकट करने में सुखी सुखी मानता अपने आप को, और पुण्य उदय से यदि उसकी पूर्ति हो जाए तो भी अपने आप को सुख मानता है। जबड़े से निकला हुआ कुत्ते की तरह खून है जो हड्डी के मिलने पर अपने आप को सुखी मानता है। और तारण स्वामी कह रहा है अनित अचेत दृष्टिते, काय की दृष्टि है? कुत्ते को कितना समझदार कहोगे आप? कुत्ते को कितना समझदार कहोगे? कहोगे कि भी नहीं कहोगे? और अपने आप को कितना समझदार कहोगे? धन दौलत विषय वासना इंद्रिय भोग, अपने आप को कितना कहोगे? कुत्ते को कह रहे हो मूर्ख, और तारण स्वामी कह रहे हैं अन्यानी मूल दृष्टि चा, जिसकी इस धन दौलत अचेतन पदार्थों में क्षणभंगुर पदार्थों में जिसकी दृष्टि लगी है, अपन कुत्ते को मूर्ख कह रहे हैं। प्राचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं अन्यानी मूल दृष्टि चा, जिनकी दृष्टि इन विषय भोग आसक्ति पर पदार्थ में लगी है वो मूर्ख है, वो अज्ञानी, वो मूर्ख। और क्या हुआ इन जीवों का? अनित अचेत दृष्टिते, इन क्षणभंगुर अचेतन पदार्थों को देख के परिणाम इन्हीं के राग देश के परिणाम में रत होके, इन्हीं चार कषाय के परिणाम में रत होके, जत्र दृष्टिते तिष्ठते, जो इन विकारी भाव में ठहरे रहते हैं, वह अज्ञानी मूल दृष्टि मिथ्या त्रिभंगी दल का समर्थन करके अशुद्ध मिथ्या भावना में रत होके निगोद के पात बन जाते हैं। इन जीवों को आत्महित की बात समझ में नहीं आती, इन जीवों को मुक्ति का मार्ग समझ में नहीं आता, इनकी दुर्गति होती ही होती है। क्या करना है आपने को? कहाँ जाना है बताओ, कहाँ जाना है? क्या करें? सारे पापी मोक्ष जाना चाहते हैं, सारे पापी, सारे व्यसनी, सारे अज्ञानी, सारे मिथ्या दृष्टि, सब मोक्ष जाना चाहते हैं, लेकिन काम किसी का एक भी काम ऐसा नहीं भैया तो मोक्ष जाने लाए। ये बात मां
जीवन में पुण्य का उदय होना बुरी बात नहीं है, पुण्य उदय से भोग मिलना ये भी बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है इन अचेतन क्षणंगुर पदार्थों को अपना मान के इन 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 भोगों के परिणाम में लिप्त रहना, ये जो बुरी बात है। अपने विवेक और अपने न्याय को भूल जाना, अपने विवेक से विपरीत काम करना, ये जो अपन भेद ज्ञान से रहित होके जो अज्ञान भाव में अपन जो आचरण कर रहे हैं, ये अपने पतन का कारण है। और सुनो, पुण्य उदय से जो भोग है वो कोई छीन नहीं सकता, लेकिन विवेकहीन होके जो अचेतन क्षणभंगुर पदार्थों में अपन लगे हुए हैं, जो भैया सत्य और असत्य का निर्णय करना है भूल गए, सही और गलत मार्ग को भी भूल गए हैं, भगवान जी ये आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाला है। इतनी बात करके आज के विषय को हम यही छोड़ रहे हैं। कल 24 नंबर की गाथा में अशुद्ध भाव, अशुद्ध अभाव मिश्र, आलस प्रपंच और विनाश दृष्टि, जो विनाश दृष्टि है बहुत अच्छा प्रसंग आने वाला, प्रपंच और विनाश दृष्टि ये दो बहुत अच्छे प्रसंग आने वाले। तो भगवान आत्मा कैसे ये जीव अपना विनाश कर रहा है, कैसे विनाश लीला में शामिल हो रहा है, और कैसे ये जीव पतन की ओर जाएगा, तारा स्वामी सारे परिणाम बता रहे हैं। अरे इन परिणामों को जान के भी अरे इन विकार परिणति से अपना मन ना मुड़े तो दुर्गति जाना निश्चय। और ये त्रिभंगी साहब विकार भाव का नाश करके और अंतर में सद्भाव को जगाने, अपन सभी भैया तारण स्वामी की समृद्ध देशना को सुन के अपन सभी अपने आत्म कल्याण का मार्ग बनाए, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पूरी आचार गुरुवर शत्रुवर संत तारण करण।